नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस जलकर राख, 4 यात्रियों की मौत। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में नए चेहरों पर लगाया दांव, सभी 10 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा। हर कोई पीएम मोदी को हराना चाहता है, लेकिन कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार देर रात तकरीबन 2 बजे दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जब तक बस में सवार यात्री उतर पाते, तब तक एक बच्चा, एक महिला सहित 4 यात्री जिंदा जल गए। घटना की जानकारी पाते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीम मौके पर बुला ली गई और बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। और पुलिस के साथ ही चिकित्सकों की टीम भी मौके पर बुला ली गई। भाजपा ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार के नामों की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 6 नाम हैं। प्रदेश के 5 अन्य सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भाजपा ने बीते 21 मार्च को पहले लिस्ट में ही कर दिया था। इस तरह से छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। और इस तरह से पार्टी में सभी 10 मौजूदा सांसदों की टिकट काट कर नए चेहरों पर दांव लगाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को उनके गृह निर्वाचन राजनांदगांव से उतारा जाएगा या नहीं, इन अटकलों को विराम देते हुए भाजपा ने इन सीट के लिए संतोष पांडे का नाम आगे लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हर कोई पीएम मोदी को हराना चाहता है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता। यहाँ उनका इशारा मायावती, ममता बनर्जी और शरद पवार पर था। कांग्रेस पर अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टों ने शासन किया। 70 साल तक देश के 50 करोड़ गरीबों ने ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये देश आजाद हुआ है। वहीं मायावती तो कहती है चुनाव नहीं लड़ूंगी। मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती जी कहती है मोदी को हटाया जाएगा, लेकिन जब पूछते हैं कहां से चुनाव लड़ोगी तो कहती है चुनाव नहीं लड़ूंगी। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए, लेकिन जब उन्हें पूछते हैं चुनाव कहां से लड़ोगे तो वो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।